वेल गाइस, तो फाइनली फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच ओवर हो चुका है। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक MJF और हिरोशि तनासी के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को नहीं देखा है तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज फॉरबिडन डोर पेपरव्यू के ओपनिंग के ऊपर ही हमें तनासी और MJF के बीच में AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर आज तनासी को क्राउड पूरा सपोर्ट कर रही होती गए। बट गाइस, मैच के शुरू होने के ऊपर ही हमें MJF हिरोशि तनासी को उनका गियर गिटार के साथ मॉक करते हुए दिखाई देते गए। और मैच के ओपनिंग के ऊपर ही हिरोशि तनासी को MJF हैंडशेक ऑफर करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद के तनासी MJF को स्लैप कर देते गए। और गाइस, इसके बाद MJF काफी ज्यादा एंग्री होते गए, जहां पर MJF हिरोशि तनासी के नीस के ऊपर अटैक करते गए। और गाइस, हिरोशि तनासी के लंबी नी हिस्ट्री के होने की वजह से आज इस मैच के अंदर हिरोशि तनासी के नी के ऊपर MJF बैक टू बैक अटैक करते गए, जहां पर इस मैच के ओपनिंग मोमेंट के ऊपर MJF के मैच को डोमिनेट करने के बाद हिरोशि तनासी फाइनली उनका मोमेंटम बिल्ड करते गए। और गाइस, हिरोशि तनासी उनका समर सेंटोल हिट करते गए, जिसके बाद कि हिरोशि तनासी बैक टू बैक MJF के ऊपर क्रॉस ब्रॉडी और हाई फ्लाइंग फ्लो हिट करते गए। और गाइस, यहां पर हिरोशि तनासी इस मैच के अंदर MJF को सुपर प्लेक्स के साथ पिन करने की कोशिश करते गए, बट गाइस MJF किक आउट कर जाते गए, जिसके बाद कि आज इस मैच के अंदर हमें MJF काफी टाइम पर हिरोशि तनासी को मॉक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस, काफी टाइम पर इस मैच के अंदर हिरोशि तनासी का MJF मजाक उड़ाते गए। बट गाइस, बात करें यहां पर मैच के विनर की, तो गाइस बैक एंड फोर्थ काफी बढ़िया मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हिरोशि तनासी स्लिंग ब्लेड हिट करते गए। और गाइस, इसके बाद हिरोशि तनासी हाई फ्लाइंग फ्लो हिट करते उससे पहले ही MJF उनके नीस को ऊपर कर देते गए, जिसकी वजह से तनासी को चोट लग जाती गए। और गाइस, इसके बाद यहां पर हिरोशि तनासी और रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए MJF उनका डायमंड रिंग निकालते गए। और गाइस, MJF के डायनामाइट डायमंड रिंग के साथ MJF तनासी पर अटैक करके इस मैच को जीत जाते गए। और गाइस, MJF रिटेन करते हैं AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप।